वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। भाजपा के मेरठ शहर प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने कहा कि यूपी में आज कानून का राज है और शाम ढलते ही महिलाएं व बच्चियां घर से बाहर जाने से घबराती नहीं है। पहले शाम होते ही सड़कों पर गुंडा तत्वों का राज कायम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजनीति के 20 साल के इस सफर में वे खुद आज बदलती राजनीति व बदलता देश देख रहे हैं और ऐसा ही हर वह नागरिक देख वह महसूस कर रहा है जो अमन, शांति व कानून का राज चाहता है। सड़कों के सुदृढ़ ढांचे ने विकास को नई गति दे दी है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। कमल दत्त शर्मा आज शहर विधानसभा सीट के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क कर रहे थे। ब्रह्मपुरी में भव्य स्वागत के बाद खंडक बाजार में कमल दत्त शर्मा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी ने कमल दत्त शर्मा से बात की, आइए देखते हैं। तो चुनाव है मेरठ शहर विधानसभा का, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं प्रत्याशी हूँ और इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको, आप सब लोग ये जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं इस बात से कि जब भी किसी संस्था को, चुनाव को जनता अपने हाथ में ले लेती है और जिसके पक्ष में भी मन बना लेती है तो उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, कमल दत्त शर्मा मेरा नाम है और यहाँ की पूरी जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी मेरठ शहर का चुनाव जीत चुकी है। कोई ऐसे खास मुद्दे हैं जिनके लिए आप कोई खास अपनी प्रतिक्रिया? खास मुद्दे हैं, सबसे पहले जो हमारा बाजार है, मैं इस हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ का सदस्य हूँ और मैं इसमें पदाधिकारी भी रहा हूँ, मैं इसमें प्रधान रह चुका हूँ और यहाँ मैंने बहुत निचले स्तर से काम शुरू किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा बाजार है, इसके जितने जो सब दुकानदार हैं वो महान दुकानदार हैं कि जिन्होंने एक निचले स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को भी अपना बाजार का प्रधान बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी की कृपा है, क्योंकि उसके अंदर परिवारवाद नहीं है। हम लोग विचार के कार्यकर्ता हैं, विचार की हम लड़ाई लड़ते हैं और हम अंत तक विचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के अंदर राष्ट्रवाद की अलग जगह नहीं लेते, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो बाजार है, इसके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे पहले भी हम इसमें लगे रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और अगर भगवान की कृपा हो गई तो फिर इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सारे मुद्दे जो हैं हमारे सब, तो जैसे कि कल अखिलेश यादव जी मेरठ आए हैं और उन्होंने अपनी जीत का बताया है कि इस बार तो वो जीतने वाले, तो उनके लिए कोई आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सपने देखने से किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई सपने देख रहा है तो क्या उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो भी बड़े लीडर हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्या वो फिर दोबारा से इस प्रदेश को दुर्दशा देने के लिए आए हैं? क्या अपहरण का उद्योग बनाने के लिए आए हैं? क्या कटान की मंडी दोबारा से मेरठ में शुरू कराने का आश्वासन यहाँ के चोरों को देके गए हैं? तो ऐसे ही कमेले को चलाने के लिए कह के गए हैं? बात यह है कि अपराधियों का और कांग्रेस, सपा, बसपा का चोली दामन का साथ रहा है। और बहन है, आप देखती होंगी कि पिछले 5 वर्ष से माननीय योगी जी की सरकार है तो कानून व्यवस्था पहले किस स्थिति में थी और अब किस स्थिति में? ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुस्लिमों का उपयोग करते हैं, उनकी वोट लेते हैं, उन्हें डराते हैं कि भाजपा आ जाएगी। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है, क्या किसी राष्ट्रवादी मेरे मुस्लिम भाई को या जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत आई? बल्कि संरक्षण ही उन्होंने भाजपा की सरकार ने दिया, इससे पहले उनको यही लोग परेशान करते थे। और मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ, हजारों की संख्या में मेरे मुस्लिम भाई मेरे पास आए हैं काम के लिए और मैंने सबके कार्य किए हैं। अब की बार यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो इस बिंदु को भी तोड़ देंगे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को, और भाजपा के साथ खड़े होंगे। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम में कोई नहीं आया, गठबंधन ने एक मुद्दा उठाया है किसानों का, वो किसानों के लिए काफी कार्य करने वाले हैं अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं। देखिए ऐसा है बहन जी, गठबंधन जो है, गठबंधन वो करता है जिसको कहीं कमजोरी भी नजर आती है। आप देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा जो मुद्दा है उसमें समाजवादी पार्टी कई सीट पर अपनी हार मान चुकी है। सरदना में उन्होंने अतुल प्रधान को अपना कैंडिडेट बनाया है,
कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है तो जो निशान है हैंडपंप वो लोकदल का है। ऐसे ही उन्होंने गुलाम मोहम्मद जी को सिवाल खास से प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है लेकिन सिंबल लोकदल का है, क्या कारण ऐसा? मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ, जनता से पूछना, उन लोगों से जनता पूछती है कि आप किस दल में जाएंगे जीतने के बाद? आप अगर जिताते हैं हमें, हम आपको समाजवादी पार्टी के नाम पर जिताएं या हम लोकदल के नाम पर जिताएं? इस बात के लिए उनसे मैं आपके माध्यम से जनता की बात उनसे जनता सवाल करती है, वो जवाब दें कि प्रत्याशी किसी पार्टी का, सिंबल किसी पार्टी का। तो एक तरह से वो हार भी मान चुके हैं और उनकी जो विचार है वो भी पता चलता है कि वो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।